हमारी कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी देवी बाचल। प्रणाम गुरुवर। सदा सुखी रहो। नाथ पंथ के नाथ निराले दुखों के कटेड़िया, नाथ पंथ के नाथ निराले दुखों के कटेड़िया। परोपकार की डगर चले हैं खुशियों के बटनिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाकर अलख जगाते हैं, जाकर अलख जगाते हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाकर अलख जगाते हैं, जाकर अलख जगाते हैं। तप भक्ति और योग की शिक्षा चमत्कार दिखलाते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं। जन में सुरती लाते चेतन हो जागनिया। नाथ पंथ के नाथ निराले दुखों की काटनिया। परोपकार की डगर चले हैं खुशियों के बाटनिया। नाथ पंथ के नाथ निराले दुखों की काटनिया। पावन पावन गुरु की शिक्षा हृदय बीच समाई है, हृदय बीच समाई है। पावन पावन गुरु की शिक्षा हृदय बीच समाई है, हृदय बीच समाई है। सारे जग में नाम है रोशन दिन दिन कला सवाई है, दिन दिन कला सवाई। अष्ट कमल पे खेले हैं, अष्ट कमल पे खेले हैं। आनंद के नित भरते मेले साथे सब साथनिया। नाथ पंथ के नाथ निराले
खुशियों के बाटे निया। नाथ पंथ की नाथ निराले दुखों की गाटे निया। जाते वहाँ छा जाते ये योग जुगत की माया से, योग जुगत की माया से। जहाँ जाते वहाँ छा जाते ये योग जुगत की माया से, योग जुगत की माया से। मौज मस्त की धूम मचाते गुरु हस्त की छाया से, गुरु हस्त की छाया से। रोगी बलकाया के ये सचमुच है डाटनिया। नाथ पंथ की नाथ निराली दुखों की काटनिया। परोपकार की डगर चले है खुशियों के बाटनिया। नाथ पंथ की नाथ निराली दुखों की काटनिया। परोपकार की डगर चले है खुशियों के। क्या हुआ गुरुदेव, आप किस चिंता में डूबे हैं? कुछ नहीं मेरे शिष्य। कुछ तो है गुरुदेव जो आप हमसे छिपा रहे हैं। आपके चेहरे से दर्द के भाव झलक रहे हैं। मुझे अचानक गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की याद सताने लगी है। एक अरसा बीत गया उनके दर्शनों को। जब मैं उनसे अलग हुआ था तो बहुत छोटा था और न ही मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनके द्वारा सिखाई गई सभी शक्तियाँ आज भोलेनाथ की कृपा से परिपूर्ण हैं। अगर आज ये बातें गुरु मच्छिंद्र नाथ जी सुनते तो कितने प्रसन्न होते। हे गुरु गोरखनाथ, आप चिंता न करें, हम जल्द ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को ढूंढ निकालेंगे। ये इतना आसान नहीं है सुरतीनाथ महाराज। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कोई माया जाल में कैद हैं, क्योंकि वो तो मुझे दिव्य दृष्टि से भी नहीं दिखाई दे रहे। तो महाराज अब क्या करें, कैसे पता लगाएं कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहाँ हैं? तुम चिंता न करो ओगड़नाथ जी, हम गुरु जी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। इसके लिए हमें नगरी नगरी घूमना होगा और कोई साधु संत दिखे तो उसे पता करना होगा। हे मेरे शिष्यों, इसलिए नगरी नगरी घूमकर हम गुरुजी को ढूंढते हैं। चलो गुरुजी। दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला, खोजन जमी आकाश जाए शिष्य अलबेला। गुरु दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला, खोजन जमी आकाश जाए शिष्य अलबेला। नग
नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे चेला नैन पसारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे चेला नैन पसारे कहाँ गए गुरुदेव हमारे छोड़ा हमको किसके सहारे आऊं तोड़ के तेरे पास बस तुम दे दो हेला आऊं तोड़ के तेरे पास बस तुम दे दो हेला गुरु दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला पिता तुम ही हो मेरे मेरा चैन चरण में तेरे मात पिता तुम ही हो मेरे मेरा चैन चरण में तेरे दर दर भटके चाहने वाले देख पड़े पैरों में चाल मेरा तन मन धन विश्वास तुम बिन फिरूं अकेला मेरा तन मन धन विश्वास तुम बिन फिरूं अकेला गुरु दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला अड़सठ तीर्थ चारों धाम सबसे उत्तम है गुरु नाम अड़सठ तीर्थ चारों धाम सबसे उत्तम है गुरु नाम दर्श लगन गुरु देव तुम्हारी छह रुत बारा मासे न्यारी रह जारी मेरी तलाश कर लो दर्शन मेला रह जारी मेरी तलाश कर लो दर्शन मेला गुरु दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला आ जाओ मेरे नाथ सावरिया निस दिन ढूंढे बन के बावरिया आ जाओ मेरे नाथ सावरिया राम तुम्ही मेरे तुम्ही हो कृष्ण श्रीर आत्मा तुमको अर्पण तेरे चरणों का हूँ दास सतगुरु मोहनी बेला तेरे चरणों का हूँ दास सतगुरु मोहनी बेला गुरु दर्श की आस लाए शिष्य अलबेला खोजन जमी आकाश जाए शिष्य अलबेला आदेश महाराज आदेश आइए महाराज आसन ग्रहण करें हे योगीराज हमें अपना परिचय दे आप कौन हैं और आगे कहां जा रहे हैं हे योगीराज मैं तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का शिष्य हूं और गोरखनाथ मेरा नाम है आप
हमें अपना परिचय नहीं देंगे। योगीराज, आप भी मुझे नाथपंथ से ही मालूम पड़ते हो। ठीक पहचाना आपने गोरखनाथ जी, मैं महायोगी तपस्वी गुरु जालंधर नाथ का शिष्य हूँ और कणिफा नाथ मेरा नाम है। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कणिफा नाथ जी। आपके गुरु जालंधर नाथ जी वे आपने जगत कल्याण करके नाथ संप्रदाय का नाम रोशन किया है। आपकी और गुरु जालंधर नाथ जी की शक्तियां दुर्लभ हैं। बस बस गोरखनाथ जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं आपके बारे में जानता ही नहीं। इतने कम समय में आपने अपने योग विद्या से जो ख्याति प्राप्त की है, भला वह किससे छिपी है? चलो छोड़िए इन बातों को, आपसे पहली बार भेंट हो रही है, बताइए मेहमान नवाजी के रूप में मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस बस कणिफा नाथ जी, आपके दर्शन हो गए और थोड़ी देर विश्राम कर बाकी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले लिया, लगता है अब हमें चलना चाहिए कणिफा नाथ जी। अरे गोरखनाथ जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे पहली बार भेंट हो रही है और बगैर कुछ खाए पिए, ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा मैं। इस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ आम मंगवाऊं? नहीं नहीं, रहने दो कणिफा नाथ जी, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो? ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है और व्यर्थ में परेशानी होगी। परेशान होने वाली इसमें कौन सी बात है गोरखनाथ जी, मैं अभी अपने शिष्यों से कहकर आम तुड़वा देता हूँ। इस छोटी सी बात के लिए क्यों अपने शिष्यों को कष्ट देते हो कणिफा नाथ जी? वो तो बेचारे अपनी योग साधना में लीन होंगे। तो ठीक है नाथ जी, मैं अपनी योग विद्या से यही आम मंगवा देता हूँ, फिर तो आप खुश हो ना, किसी को कष्ट भी नहीं होगा। योग विद्या से? पर ये कैसे संभव है कि आम अपने आप पेड़ से टूटकर यहाँ आ जाएं? आप ये भूल रहे हैं गोरख जी कि मैं योगी जालंधर नाथ का शिष्य हूँ, मेरी शक्तियां जग जाहिर है, मैं अभी आम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वाकई में सचमुच आश्चर्य है। आप आश्चर्य छोड़िए और मीठे आमों का आनंद लीजिए। ये लो मेरे शिष्यों, तुम भी आम खाओ। सचमुच आम बहुत मीठे हैं। बस कणिफा नाथ जी, और खाने को मन नहीं कर रहा। आप ऐसा करें, इन शेष बचे हुए आमों को वापिस पेड़ पर लगा दें, वरना ये यहीं पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। आप इतने विद्वान होकर क्यों अनहोनी बात करते हो गोरखनाथ जी? भला टूटे हुए फल भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। हंसने की कोई बात नहीं है कणिफा नाथ जी, लग सकते हैं। जिस प्रकार ये फल टूटने से पहले वृक्ष पर थे, उसी प्रकार अब भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण कैसे हो सकते हो? तभी तो ऐसी अज्ञानता भरी बातें करते हो। अपनी वाणी पर संयम रखें कणिफा नाथ जी, मैं अपने गुरु जी का अपमान कतई सहन नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं कभी हार मानने वाला नहीं। आप उसी गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हैं जो तिरिया राज्य में रानी मैनांकिनी की कैद में पड़े हैं और उनके साथ भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके कारण आज सारे संसार में नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कणिफा नाथ जी।
क्या आपको अपने गुरु जलंधर नाथ की दुर्दशा के बारे में कुछ ज्ञान है? अगर नाथ संप्रदाय की बदनामी की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने गुरु जलंधर नाथ को राजा गोपीचंद की कैद से छुड़वाओ, जिसको राजा गोपीचंद ने गहरे गड्ढे में डालकर घोड़ों की मणों लेद डलवा रखी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो स्वयं गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लें। और रही बात आमों को वापिस पेड़ पर लगाने की, तो ये लो। अब तो तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे? मुझे अक्षमा करे गोरखनाथ जी, मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर आपका तिरस्कार करने की सोची। मैं तो आपकी विद्या शक्ति के आगे काफी पिछड़ा हुआ हूँ। आपकी अनूठी विद्याएं देखकर मेरी समझ में आया कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने आपका व्यर्थ ही तिरस्कार किया गोरखनाथ जी। कणिफानाथ जी, इस संसार में व्यर्थ कुछ नहीं होता। अगर आपसे मेरी भेंट नहीं होती तो मुझे अपने गुरु के बारे में कैसे पता चलता कि वो तिरिया राज्य में कैद हैं? मैं तो उन्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा था। आप सत्य कह रहे हैं गोरखनाथ जी, आपसे मिलके तो मुझे भी अपने गुरु के कैद होने का पता चला। पता नहीं गुरुदेव कितने दिनों से गोपीचंद की कैद में है, मैं अभी उनको मुक्त करवाता हूँ। ठीक है नाथ जी, आप अपने गुरु को मुक्त करवाइए और मैं भी अपने गुरु को तिरिया राज्य से मुक्त करवाता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी पुण्य भेंट अवश्य होगी। कणिफानाथ जी, आदेश। आदेश गोरखनाथ जी। हे मेरे शिष्यों। आदेश करें गुरुदेव। मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला जाकर गुरु मच्छिंद्रनाथ को तिरिया राज्य से मुक्त करवाऊं। लेकिन गुरुदेव, अगर इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ होते तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारा कहना उचित है शिष्य ओगड़नाथ, लेकिन ये काम ऐसा है जिसको मैं पूरा करने की अक्षमता रखता हूँ। फिर अगर सभी एक ही काम को करने लग गए तो जगत कल्याण व नाथ संप्रदाय का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ को मुक्त करवाता हूँ तब तक तुम अलक निरंजन के प्रकाश को कभी फीका नहीं होने देना और तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ वे दुखियों के दुखों को दूर करो। जो आदेश दिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे शिष्यों। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी त्रिया राज्य में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो त्रिया राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो वहाँ पर पुरुष प्रवेश वर्जित था, क्योंकि त्रिय राज्य में केवल स्त्रियां ही निवास करती थी और वहां के नियमानुसार केवल स्त्रियां ही त्रिय राज्य में आ जा सकती थी।
इसलिए गोरखनाथ जी ये नहीं चाहते थे कि उनके प्रवेश करने से कोई बवाल खड़ा हो, और जिसकी खबर रानी मैनांकनी को लग जाए और वह पहले से ही सचेत ना हो जाए, क्योंकि वे तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से अकेले में भेंट करना चाहते थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि त्रिया राज्य की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते थे। वे हर रोज अर्धरात्रि के समय त्रिया राज्य में आकर घोर गर्जना करते थे, जिसे सुनने से एक भी पुरुष जीवित नहीं बचता था। और इस भयंकर गर्जना से यहाँ की स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी, और उनके गर्भ से केवल कन्याएं ही जन्म लेती थी। इस प्रकार इन सब कारणों के उपाय सोचने के लिए गोरखनाथ जी त्रिय राज्य की सीमा के बाहर ही समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। सखियों, हम ऐसा करती हैं कि त्रिया राज्य में जाने से पहले यहीं पर थोड़ा रियाज कर लेती हैं, ताकि आगे कोई कठिनाई न हो। ठीक है महारानी। करूं बढ़ाई
शायद ये सुंदरियां त्रिया राज्य में ही जा रही हैं। हो सकता है ये मेरी कुछ मदद कर दें। हे देवियों, आप कहां से आ रही हैं और आगे कहां जाने की तैयारी है? हम तो यहां नजदीक ही महेंद्रगढ़ नगरी है वहां की रहने वाली हैं और त्रिया राज्य में जाने के विचार से यहां आई हैं। हे सुंदरियों, आप त्रिया राज्य में किस कार्य हेतु जा रही हैं? क्या मैं ये जान सकता हूं? क्यों नहीं संत जी, हम तो त्रिया राज्य में संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए जा रही हैं। क्या देवी, त्रिया राज्य में कोई संगीत कला विशारद नहीं है जो आपको आमंत्रित किया गया है? है क्यों नहीं, संगीत कला विशारद तो काफी हैं, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है और यहाँ की रानी मैनांकनी नवीनता प्रिय है, इसलिए वो अलग अलग राज्यों से कलाकारों को आमंत्रित करती है और ढेर सारे इनाम भी देती है। अगर ये मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाएं, तो मेरा काम बन सकता है। क्या हुआ संत जी, किस सोच में पड़ गए? जी कुछ खास नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने इतनी देर आपसे बातें करते हो गई लेकिन आपका परिचय अभी तक नहीं जाना। परिचय तो ध्यान से सुनो संत जी, ये हमारी संगीत मंडली है और नाच गाना हमारा व्यवसाय है। हम अपनी कला का प्रदर्शन करने बहुत दूर दूर तक जाती हैं और यहाँ सब लोग मुझे कलिंगा रानी के नाम से जानते हैं और ये मेरी साजिंदी हैं। और क्या पूछना चाहते हो वो भी पूछिए संत जी। नहीं नहीं देवी, हम तो साधु संत हैं, हमें व्यर्थ की बातों से क्या लेना। मेरा अभिप्राय तो बस इतना था कि आप मुझे भी अपने साथ त्रिया राज्य में ले चलें। क्या बात है संत जी, भेष साधु का और त्रिया राज्य में चलने की बात करते हो, क्या तुम पर भी कामदेव का प्रभाव हो गया है? नहीं नहीं देवी, ये बात नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप मेरे कहने का गलत अर्थ निकाल रही हैं, मेरी तो केवल त्रिया राज्य को देखने की इच्छा है। लेकिन संत जी, हम आपको किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं ले जा सकती, त्रिया राज्य में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन देवी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरुषों के प्रवेश की मनाही का क्या कारण है? सुना है यहाँ पवन पुत्र हनुमान आकर स्वयं गर्जना करते हैं, जिसे सुनकर एक भी पुरुष जीवित नहीं रहता और स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं और उनके कन्याएं ही उत्पन्न होती हैं। हम योगी सन्यासियों का पवन पुत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते देवी, अगर उन्होंने मुझे सताने की कोशिश की तो उसका उपाय भी मेरे पास है। ऐसा आपके पास क्या उपाय है संत जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैं अपने तपोबल से स्त्री का भेष बदल सकता हूँ। और जब मैं स्त्री का भेष बदल लूंगा तो स्वयं हनुमान जी मुझे पुरुष नहीं कह सकते, इस प्रकार मैं स्त्री के भेष में आपके साथ चलूंगा। वो तो ठीक है संत जी, आप स्त्री के भेष में हमारे साथ चल पड़ोगे, लेकिन हनुमान जी ने गर्जना कर दी तो फिर आपको भी गर्भवती होना पड़ेगा। नहीं नहीं देवी, हम साधु योगियों पर हनुमान जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संत जी, मैं आपको अपने साथ ले भी चलूं तो किस बहाने से,
आप मुझे अपना साजिंदा बना कर ले चलें। साजिंदा? साजिंदा उसे कहते हैं जो साज बजाने में निपुण हो, लेकिन आप तो कोरे साधु हैं। आपको सुर ज्ञान के बारे में क्या मालूम? मालूम है देवी, साज बजाने में ही नहीं अभी तो मैं गायन विद्या में भी निपुण हूँ। आप चाहें तो मुझसे आप कोई भी साज बजवा सकती हैं, मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, ये लो, हम भी तो देखें कि तुम्हें संगीत कला का कितना ज्ञान है। बजाएगा योगी, गाएगा योगी, बजाएगा योगी, गाएगा योगी। हे सुंदरी, हे सुंदरी, महफिल रंगारंग होगी। हे सुंदरी, महफिल रंगारंग होगी। बजाएगा योगी, गाएगा योगी, बजाएगा योगी, गाएगा योगी। ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी। इंदर सागर बार सजेगा, ताल सुरों का अंबार लगेगा। हे सुंदरी, हे सुंदरी, महफिल चमाचम होगी। हे सुंदरी, महफिल चमाचम होगी। बजाएगा योगी, गाएगा योगी, बजाएगा योगी, गाएगा योगी। हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी। मृतकी नाचे जो अप्सराएं, नजारे भूले अपनी दिशाएं। हे सुंदरी, हे सुंदरी, मैं ना किनी भी दंग होगी। हे सुंदरी, मैं ना किनी भी दंग होगी। बजाएगा योगी, गाएगा योगी, बजाएगा योगी, गाएगा योगी। हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी। मस्ती भरा हो जाएगा आलम, छेड़ेंगे साज मत होशी की सरगम। हे सुंदरी, हे सुंदरी, दिल में उमंग होगी। हे सुंदरी, दिल में उमंग होगी। बजाएगा योगी, गाएगा योगी, बजाएगा योगी, गाएगा योगी। हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, हे सुंदरी महफिल रंगारंग होगी। दिल से बजेगी मीठी शहनाई, भली करे सरस्वती माई। हे सुंदरी, हे सुंदरी, हे
कला इस ढंग होगी, ए सुंदरी कला इस ढंग होगी, बजाएगा योगी गाएगा योगी, बजाएगा योगी गाएगा योगी, ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी, ए सुंदरी महफिल रंगारंग होगी। वाह संत जी वाह, आपकी संगीत कला तो बेजोड़ है। अगर रानी मैनांकनी ऐसा संगीत सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी और ढेर सारा इनाम भी देगी। हम आपको अपने साथ ले जा सकती हैं संत जी, लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय तो नहीं दिया। आप हमें अपना नाम तो बताएं। हम साधु योगियों का क्या नाम होता है देवी, आप मुझे संत जी ही कहकर पुकारें, यही ठीक रहेगा। चलो जैसी आपकी इच्छा संत जी, चलो चलते हैं। चलिए देवी। संत जी, रानी मैनांकनी का आदेश है कि हमें अपनी संगीत कला का प्रदर्शन कल सुबह करना है। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, हमें आज रात यहीं विश्राम करना है। हमें तो नींद आ रही है, आप भी सोने की तैयारी करें संत जी। देवी, नींद तो भी आ नहीं रही, वैसे भी हम संतों का सोना जागना बराबर होता है। हम तो बैठे बैठे भगवान के नाम का जाप करते हैं और सो भी लेते हैं। आप सो जाइए देवी, मेरी चिंता न करें। जैसी आपकी मर्जी संत जी। कलिंगा रानी और उसकी सहेलियां तो सो गई, अब वैसे भी अर्धरात्रि का समय होने वाला है। लगता है हनुमान जी की गर्जना का समय हो गया है। मुझे पहले ही मंत्रों द्वारा हनुमान जी को त्रिया राज्य में आने से रोकना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। मैंने अपनी योग विद्या से वो शक्तियाँ छोड़ दी हैं जिससे हनुमान जी त्रिया राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, और उन्होंने कोशिश भी की तो मैंने पहले ही आकाश में वज्रास्त्र छोड़ रखा है जिससे वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और मेरे सपास्त्र से भूमि के आकर्षण में बन जाएंगे, और फिर मोहनास्त्र से कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकेंगे। तब तक सुबह हो जाएगी और मैं अपने गुरु को ले जा सकूंगा। Thank you.
हे प्रभु श्री राम, मदद करो मेरी, मदद करो प्रभु। आज आपका भगत हनुमान संकट में है, मुझे दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। क्या बात है पवनसुत, तुम्हारी ये हालत कैसे हुआ ये सब? पहले प्रभु मुझे इन मायावी शक्तियों से तो मुक्त करें, तभी तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। अब बताएं हनुमान जी, आप तो स्वयं दूसरों के संकट मोचक हैं, फिर खुद संकट में कैसे हो और मुझे क्यों याद किया? प्रभु मैंने आपको ऐसा कष्ट दिया, सर्वप्रथम इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं विवश था प्रभु, क्योंकि मैं प्रतिदिन की भांति आज भी अर्धरात्रि के बाद गर्जना करने तिरिया राज्य में आया तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सका प्रभु, और भूमि के आकर्षण में बंद कर मेरी सारी गति विधियां शांत हो गई। हे प्रभु श्री राम, मैं अपनी इस दुर्दशा के कारण बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा देवता, दानव या मनुष्य नहीं जो आपके भगत हनुमान के सामने अक्षण भर भी टिक सके। फिर ये कौन मायावी पैदा हो गया जिसके आगे मेरी सारी शक्तियां तुच्छ हो गई? प्रभु आप मुझे उसका एक बार नाम बताएं, मैं अभी उसे अपने किए की सजा देता हूं। आप मौन क्यों है प्रभु? आप उसका नाम बताएं, और मुझे ये क्या हो गया था प्रभु जिससे मेरा अंग अंग जकड़ गया था? क्या हो गया श्री राम, हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया? मोहे क्या हो गया श्री राम, हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया? कैसे तिरिया राज में जाऊं, किस विधि अपना वचन निभाऊं? कैसे तिरिया राज में जाऊं, किस विधि अपना वचन निभाऊं? मेरा बल खोया कहाँ राम, हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया? मोहे क्या हो गया श्री राम, हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया? शक्ति की है ये छाया, मुझको ऐसे बांध गिराया? किस शक्ति की है ये छाया, मुझको ऐसे बांध गिराया? मैं तो बेबस हो गया राम, हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया? मोहे क्या हो गया श्री राम,
हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। कहाँ गई मेरी चुस्ती फुरती, हिम्मत सांस कतई नहीं करती। कहाँ गई मेरी चुस्ती फुरती, हिम्मत सांस कतई नहीं करती। कैसे पढ़ मैं सो गया राम हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। मोह क्या हो गया श्री राम हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। मुझे बताओ मेरे धनुधारी, घुस गई मुझ में कौन बीमारी। मुझे बताओ मेरे धनुधारी, घुस गई मुझ में कौन बीमारी। मुँह पे बंधन हो गया राम हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। मोहे क्या हो गया श्री राम हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। मोहे क्या हो गया श्री राम हे राम मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया मेरा अंग अंग कैसे जकड़ गया। आप मुझे बताए प्रभु, मैं अभी उसको दंड देना चाहता हूँ। हे पवनसुत शांत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपकी सहायता के लिए दोबारा आना पड़े। जो भी काम करो उसे पहले पूरी तरह सोच विचार कर करना चाहिए। अपने विरोधी का बल आजमाए बिना उससे उलझना नादानी है पवनसुत। मैं अक्षमा चाहूंगा प्रभु श्री राम, लेकिन मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि वह कौन है जिससे युद्ध करने के लिए आप मुझे रोक रहे हैं। ऐसा कौन है जिसके सामने आपको वीर बजरंगबली की शक्तियों पर भी संदेह हो रहा है। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि ये देवता है या दानव। मनुष्य में तो मुझे ऐसा बलवान नहीं दिखाई पड़ता। हे पवनसुत, कोई देव या दानव इस प्रकार आपको अपमानित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और दानव में आपके समान कोई बलशाली भी नहीं है। ऐसा साहस करने वाला केवल एक ही मनुष्य इस धरती पर है। वह मनुष्य कौन है प्रभु, आप उसका नाम बताने का कष्ट करें। हे पवनसुत, इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय में एक ऐसे योगी हैं जो तपस्वी बलशाली और अपनी योग विद्या से कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं, और योगी मच्छिंद्रनाथ जी जिनके गुरु हैं। क्या नाथ संप्रदाय में इतना शक्तिशाली तपस्वी पैदा हो गया, लेकिन इस योगी का नाम क्या है प्रभु। हे हनुमान जी, धरती पर दुखियों के दुख दूर करने वे जगत कल्याण के लिए योगी मच्छिंद्रनाथ जी की परदत्त भस्मी द्वारा धरती माता की कोख से नाथ संप्रदाय में स्वयं भगवान शिव शंकर जी ने रुद्र अवतार लिया है, और इस अवतार रूप में उनका नाम गोरखनाथ है। गोरखनाथ अपने तपोबल से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर
बहुत शक्तिशाली हो गया है और विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ ने उनको सभी प्रकार की योग माया से भी परिपूर्ण कर रखा है। लेकिन प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गोरखनाथ इतना तपस्वी योगी होते हुए भी त्रिया राज्य में क्यों आया और मुझ पर अपनी शक्तियाँ दिखाने का उसका क्या अभिप्राय है? हे पवनसुत, गोरखनाथ किसी गलत उद्देश्य के लिए त्रिया राज्य में नहीं आया है। वह तो आप ही की तरह अखंड ब्रह्मचारी है। उसका उद्देश्य तो त्रिया राज्य की दलदल से अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ले जाना है और ना ही गोरखनाथ का अभिप्राय आपका अपमान करना था। वह तो इस त्रिया राज्य की कीचड़ से अपने गुरु का उद्धार करना चाहता है, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्य में बाधा न डालें पवनसुत। लेकिन हे प्रभु श्री राम, मच्छिंद्रनाथ जी तो मेरी ही आज्ञा से त्रिया राज्य में रह रहे हैं। मैंने ही मैनांकिनी रानी को उनकी सेवा करने का निर्देश दिया है। प्रभु, अगर गोरखनाथ त्रिया राज्य से अपने गुरु को निकालने में सफल हो गया तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसका कोई उपाय भी तो नजर नहीं आता पवनसुत। वह तो अपने गुरु को निकालने के लिए ही यहाँ आए हैं और उनको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु, आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझा तो सकते हैं, शायद वो आपकी बात मान जाए। अपने भगत पर इतनी तो कृपा करें प्रभु। क्यों नहीं हनुमान जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात के अवसर कम ही लगते हैं कि गोरखनाथ हमारी बात मानेगा, इसलिए हम ब्राह्मण के वेश में उनके पास चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। एक तो रात का समय, दूसरे मेरी योग विद्या से शस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध है, फिर ये कौन है जो इतना सब कुछ होते हुए भी त्रिया राज्य में प्रवेश कर गए?